दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें इस नियम से T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। चाहे दोस्तों बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, ये दोनों टीम पक्का पहुंचेंगी। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं अब की बार भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जाता है तो मुकाबला बड़े कांटे का होता है। दोस्तों इस मुकाबले में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 के सबसे भयंकर मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच में। जबकि पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में किंग कोहली ने आखिरी ओवर में बुरी तरीके से रौंदा और इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया। मगर दोस्तों अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के पॉइंट टेबल में। जबकि पॉइंट टेबल में भारतीय टीम नंबर 1 पर मौजूद है, तो वहीं नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, तो वहीं नंबर 3 पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। अगर दोस्तों भारतीय टीम जिम्बाब्वे की टीम को हरा देती है तो भारतीय टीम के पॉइंट हो जाएंगे 8 और आसानी से सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी। अगर दोस्तों किसी कारणवश भारत और जिम्बाब्वे के मुकाबले में बारिश आ जाती है तो दोनों टीमों को एक एक नंबर मिल जाएगा, जबकि भारतीय टीम के पॉइंट हो जाएंगे 7 और इसी के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अगर हार जाती है तो उधर से पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी बार भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं।